आज हमारा टॉपिक है एसेंशियल ऑफ प्लानिंग, नियोजन की आवश्यकताएं। कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो, या किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, यदि हम वहाँ पर नियोजन को अपनाते हैं, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाते हैं, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हैं जो कि वहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल या उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इन कंडीशन में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनैतिक स्थिरता। आर्थिक नियोजन की जो सफलता है वो मुख्यतः आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की ही राजनीतिक स्थिरता से प्रभावित होती है। मतलब आंतरिक और बाहरी राजनीतिक स्थिरता से आशय है हमारे देश इंटरनल, तो मतलब हमारे देश में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, और एक्सटर्नल मतलब हमारे देश के बाहर जो अन्य देश हैं जिनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट, कोई व्यापार, कोई लेन देन होता है। क्योंकि आज समस्त विश्व में वैश्वीकरण के कारण कुछ ना कुछ सभी देशों में लिंक रहता है, तो इसलिए यदि वहाँ भी कोई हलचल होती है, हमारे देश के अलावा भी यदि विश्व स्तर पर भी कोई राजनीतिक हलचल होती है तो उसका प्रभाव भी सभी देशों पर पड़ता है। तो आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्थिरता, और वो भी दोनों प्रकार की, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की राजनीतिक स्थिरता होना ज़रूरी है। हालांकि आंतरिक राजनीतिक स्थिरता जो है वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, और बाहरी वाली से हम इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना के प्रभावपूर्ण या इफ़ेक्टिवली और प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या प्रभावपूर्ण या उचितपूर्ण उसको लागू करने के लिए राजनीतिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारे जो उद्देश्य हों वो भी स्पष्ट हों, परिभाषित हों। किसी भी योजना की सफलता मुख्यतः उसके उद्देश्यों की क्लैरिटी पर ही डिपेंड करती है। यदि हमारे उद्देश्य वेल डिफाइंड हैं, मतलब उचित रूप से परिभाषित हैं, पर्टिनेंट मतलब संबंधित हैं, तो ही हमारी योजना सफल हो सकती है। तो इसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें हमारे आर्थिक नियोजन में जो हम उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं उनकी स्पष्टता भी होनी चाहिए, वरना हम अपनी योजना को पूरा नहीं कर सकते। इसके पश्चात हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताओं का निर्धारण। किसी भी योजना को निर्धारित या उसके उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात हमें उसकी प्राथमिकताओं को भी निश्चित करना चाहिए। जैसे जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि किस प्लान में हम कृषि को ज़्यादा प्रमुखता देंगे, किस में हम उद्योगों को, किस में हम सर्विस सेक्टर को। तो ये देश की परिस्थितियों के अनुसार या आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ये प्राथमिकताएं हर प्लान में चेंज होती जाती हैं। तो प्लान का निर्धारण या प्लान बनाते वक्त हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि अभी जो रिसेंट कंडीशंस हैं उसमें हमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है, कृषि को, उद्योग को, सर्विस सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को। तो इस प्रकार हमें प्राथमिकताओं का भी निर्धारण करना होगा, क्योंकि प्राथमिकताओं के निर्धारण के पश्चात ही हम संसाधनों का आवंटन कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी देश को ज़्यादा किसी क्षेत्र को हमें ज़्यादा प्राथमिकता देनी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज भी देने होंगे उसके विकास के लिए। तो इसी तरह से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर ही हम रिसोर्सेज का अलॉटमेंट करते हैं। इसलिए प्राथमिकताओं का निर्धारण भी आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए ज़रूरी है। इसके पश्चात हमारा आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद, प्राथमिकताओं को निर्धारण करने के पश्चात हम किसी भी योजना में कितना खर्चा करेंगे, उसका आउटले क्या होगा, उसका अनुमान लगाते हैं।
किसी भी प्लान के जो उस पर एक्सपेंडिचर होगा या उसमें जो भी हम निवेश करेंगे उसका अनुमान लगाना भी बहुत ज़रूरी है, और वो अनुमान भी हमें सही रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम सही अनुमान लगाएंगे तभी हम फाइनेंस को कलेक्ट भी कर पाएंगे। पहले हम उसका अनुमान करेंगे भी हमें इतना चाहिए, तो उसका एस्टिमेशन हुआ, एस्टिमेशन के बाद ही हम फाइनेंस का कलेक्शन कर पाएंगे, उन रिसोर्सेज को जुटा पाएंगे। तो इसलिए हमें आउटले ऑफ द प्लान का क्या उसमें खर्चा किया जाएगा उसका एस्टिमेट करना चाहिए, और उसके पश्चात ही हमें इंटरनल फाइनेंस से हम उनको लेना चाहते हैं या एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं, किस प्रकार से हम उस फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे वो हमें निर्धारित करना होगा। इसके पश्चात हमारा आता है एडिक्वेट एंड करेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। पर्याप्त तथा सही सांख्यिकीय आंकड़े तथा सूचनाएं। किसी भी योजना की सफलता, जब हम योजना को बनाते हैं तो उस टाइम हम किन डेटा के आधार पर उसका निर्माण कर रहे हैं उस पर बहुत अधिक निर्भर करती है, क्योंकि यदि डेटा ही फेक या डाउटफुल होंगे, यदि डेटा ही जो हम आंकड़े जिसके आधार पर हम प्लानिंग कर रहे हैं वो ही सही नहीं है, उनमें ही हमें संशय है, वो हमें अस्पष्ट हैं और उसके आधार पर हम प्लानिंग कर देते हैं, तो वो प्लानिंग भी सक्सेस होने के बाद भी उसके रिज़ल्ट हमारे लिए कोई काम के नहीं होंगे। इसलिए हमें प्लानिंग करते वक्त सही डेटा होना और सही सूचनाएं होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम सही प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है एफिशिएंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लान जो हम बनाते हैं वो किसी संगठन, जो कि सेंट्रल लेवल पे कोई संगठन बनाया जाता है उसकी सहायता से बनाते हैं, तो जो ये प्लानिंग का कार्य कर रहे हैं ऐसे संगठन, जैसे पहले भारत में योजना आयोग NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये काम करते थे, अब हमने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया है, तो ये जो इस प्रकार की जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी एफिशिएंट होने चाहिए, क्योंकि प्लान का फॉर्मुलेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन तीनों इनकी ही इन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की ही दक्षता पर निर्भर करता है। यदि ये इसमें इन ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, वो यदि वहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारी प्लानिंग निश्चित रूप से, जो हमारी प्लान का निर्माण होगा उसका जो क्रियान्वयन होगा या उसका जो मूल्यांकन होगा वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो प्लानिंग की इफ़ेक्टिवनेस भी हमारे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर निर्भर करती है।